नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। भगवानपुर की राजनीति में आज का दिन बड़ा ही अहम है। यहां बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी रहे सुबोध राकेश ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है, साथ ही बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि काफी दिनों से सुबोध राकेश ने बसपा में जाने की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन अब उन पर विराम लग गया है। वहीं सुबोध राकेश ने गाजियाबाद स्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन की आवाज पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बसपा ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने बताया कि सुबोध राकेश काफी दिनों से हमारे संपर्क में थे और उन्होंने घर वापसी की बात कही थी, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश अनुसार सुबोध राकेश को बसपा की सदस्यता दिला दी गई है। यानी कि जो कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, जो खबरों का बाजार गर्म था, अब उन सभी चीजों पर विराम लग गया है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता और सुबोध राकेश ने अब बीजेपी छोड़ दी है। साथ ही आपको बता दें बीएसपी ज्वाइन कर ली है। हालांकि बीते कुछ दिनों से सुबोध राकेश का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो खुद इस बात को कबूल रहे थे कि वो बीएसपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोई भी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अब सुबोध राकेश ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण की। आदरणीय हमारे प्रभारी जी उत्तराखंड के, उनके आवास पर हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं अपने सभी साथियों के साथ। राज सदस्य ग्रहण हमारी इन्होंने यहाँ पर कराई है, और निश्चित रूप से इस आशा और विश्वास के साथ, जैसे उन्होंने बताया भी है, बोला भी है कि एक मेहनत के साथ पार्टी की सीट वहाँ पर निकालनी है, विधायक बन के आना है। उनके माध्यम से हमें समय दिया गया है आने वाली 30 तारीख का एक कार्यकर्ता सम्मेलन, जो एक प्रक्रिया पार्टी की चल रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में ये जो सियासी हलचल बीते कई दिनों से देखी जा रही थी भगवानपुर में, अब वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सुबोध राकेश ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है, बीजेपी को अलविदा कह दिया है। साथ ही आपको बता दें उनके कई दिनों से वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो बीएसपी ज्वाइन करने की बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद से ही सियासत काफ़ी गर्म हो गई थी। औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे सुबोध राकेश, लेकिन एक बड़ा झटका आज ये बीजेपी को लगा है, क्योंकि सुबोध राकेश ने आज बीएसपी ज्वाइन कर ली है। तो उत्तराखंड से आपको बता दें, भगवानपुर से हमारे संवाददाता तौसीफ अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रुड़की से हमारे संवाददाता मोहम्मद अजीम यहां पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अजीम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी, वीडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन एक तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज उन सभी बातों पर विराम लग गया जब सुबोध राकेश ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। देखिए पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि शुक्रवार को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने पहली खबर चलाई थी ये कि सुबोध राकेश जल्द ही जो है बसपा का दामन थाम लेंगे, और भगवान जी के वो हमारी जो खबर पर मोहर भी लग गई। आज सबसे पहले हमारे संवाददाता तौसीफ ने ये ब्रेक करा कि सुबोध राकेश बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। सुबोध राकेश ने जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं शमसुद्दीन जो है राइन, शमसुद्दीन राइन, उनके बिल्कुल मोहम्मद अजीम, तौसीफ अली, जिस तरह से देखिए बीजेपी के कद्दावर नेता सुबोध राकेश को माना जाता था, तो एक बीजेपी को आज बड़ा नुकसान होता हुआ क्या दिख रहा है आज? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे वरुण, ये बीजेपी को जो है बहुत बड़ा नुकसान है। भगवानपुर में जिस प्रकार से बीजेपी को उन्होंने मजबूत किया था, और बीजेपी जो कि 12 से 15 हजार का आंकड़ा मुश्किल से छूती थी, तो सुबोध राकेश के द्वारा 2017 के चुनाव में 42 हजार से भी ऊपर उन्होंने पहुंचाने का काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सुबोध राकेश ने बीएसपी ज्वाइन की है,
हमारे चैनल ने कल ये खबर दिखाई थी परसों के, सुबोध राकेश बहुत जल्द जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिस पर जो है हमें सूचना मिली और सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद स्थित शमसुद्दीन राइन के आवास पर उन्होंने जो है सदस्यता ग्रहण की है बीएसपी की, और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वहां पर सुबह पहुंचे थे। और जिस प्रकार से हमने कवरेज किया और शमसुद्दीन राइन ने बताया कि बहन कुमारी मायावती के आदेश पर हमने उनको सदस्यता ग्रहण कराई है, और आने वाली 30 तारीख में एक बड़ा प्रोग्राम भगवानपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर जो है तैयारियों के निर्देश सुबोध राकेश को दे दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली के रूप में जो है इसको देखा जा सकता है कि शायद सुबोध राकेश इसको बड़ी रैली में परिवर्तित कर पाए, और उसी वक्त हो सकता है पदाधिकारी जो पार्टी के जो पदाधिकारी है वो हो सकता है इनको कैंडिडेट घोषित कर दे। बिल्कुल तौसीफ अली, लेकिन देखिए भगवानपुर में सुबोध राकेश का एक बहुत अच्छी पकड़ रही थी, और जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कद्दावर नेता वो बीजेपी के थे, बीजेपी को नुकसान तो हो सकता है, अगर समीकरण की बात की जाए तो किस तरह से समीकरण बिगड़ सकते हैं? देखिए बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से सुबोध राकेश फिलहाल बीएसपी ज्वाइन की है तो इस बात इसकी खबर जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को मिल चुकी है, और दोनों पार्टियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर यहाँ फोकस पूरी तरीके से जो है सुबोध राकेश करेंगे। एससी समाज का वोट उनके साथ पहले से ही मौजूद है और अब और ज्यादा जुड़ जाएगा, और मुस्लिम समाज पर फोकस रहेगा। अगर यदि मुस्लिम समाज जो है सुबोध राकेश को समर्पित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीट सुबोध राकेश निकालने में कामयाब होंगे, और दोनों पार्टियों को एक बड़ा नुकसान उठाने की संभावना है। बिल्कुल तौसीफ, देखिए यहाँ पर हमारे साथ अजीम भी लगातार बने हुए हैं। अजीम देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बीते 2-3 दिन से ये प्रतिक्रियाएं देखी जा रही थी, बीजेपी साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि कोई हमें नुकसान नहीं होगा, और सुबोध राकेश अगर बीएसपी ज्वाइन करते हैं, ये पहले की प्रतिक्रिया बता रही हूँ कि जब बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा था कि अगर वो बीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यानी कि कहीं ना कहीं देखिए एक प्रभाव भले ही बीजेपी कह रही है नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान बीजेपी को यहाँ पर खूब देखा जा रहा है होगा। बिल्कुल पारुल, मैं आपको भगवानपुर के इतिहास की इतिहास बताना चाहता हूँ कि भगवानपुर सीट जो है उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में अस्तित्व में आई, उसके बाद बीजेपी का 2002 में चंद्रशेखर जी ने यहाँ पे भगवानपुर सीट पे विजय हासिल की और बीजेपी यहाँ से जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद 2007 में जो है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी बसपा के चुनाव लड़े और भगवानपुर पर कब्जा किया, और जब से लेके आज तक भगवानपुर पर राकेश परिवार का एक कब्जा रहा है, एक दबदबा वहां पे रहा है। और 2012 में जो है बसपा के सुरेंद्र राकेश जी चुनाव लड़े और जीत गए, उसके बाद सुरेंद्र राकेश जी का जो है देहांत हो गया, उसके बाद उनकी जो धर्मपत्नी ममता राकेश जी है वो 2015 में जो है कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की और कांग्रेस से चुनाव लड़ी, अच्छा सिंपैथी के साथ उनको जीता गया, और सुबोध का टिकट नहीं करा गया। 2017 में सुबोध जो है बीजेपी में चले गए, जबकि बीजेपी का अस्तित्व यहाँ पर खत्म हो चुका था। उसके बाद सुबोध राकेश ने बड़ी मेहनत के साथ करीब 42,000 वोट लेके वो 2,500 वोटों से हारे, लेकिन सुबोध राकेश जो है मुसलमानों से और दलितों से जुड़े हुए हैं, उनकी लगातार मांग हो रही थी कि आप बसपा में आइए जब आप यहाँ पे जीत सकते हैं, इसलिए सुबोध ने जो है आज वो कदम उठाया और सुबोध राकेश जो है बसपा ज्वाइन की, उन्हें आज सदस्यता मिली हुई थी। बिल्कुल अजीम, लेकिन देखिए बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होगी कि अब सुबोध राकेश ने बीएसपी तो ज्वाइन कर ली है, लेकिन भगवानपुर सीट से किसको टिकट दिया जाएगा, कोई मजबूत और अच्छा चेहरा ही वहां पर उतारने की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को अब। बिल्कुल पारुल, बीजेपी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भगवानपुर सीट पर, क्योंकि सुबोध राकेश एक ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस को या दूसरे दलों को एक चुनौती दे सकते थे। अब जो 2012 में यहाँ से चुनाव कांग्रेस से लड़े थे, बीजेपी उन पर दांव खेल सकती है। चलिए ठीक है, मोहम्मद अजीम और तौसीफ अली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें भगवानपुर सीट से सुबोध राकेश ने अब बीएसपी ज्वाइन कर ली है, हालांकि कई दिनों से खबरें तो आ रही थी, वीडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद स्थिति कहीं साफ होती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज साफ तौर पर सुबोध राकेश ने बीएसपी ज्वाइन कर ली है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में
बीते कई दिनों से सियासी घमासान ये चल रहा था और सियासत काफी गर्म होती नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सुबोध राकेश ने बीजेपी छोड़ दी है। भगवानपुर सीट से काफी कद्दावर नेता वो माने जाते थे बीजेपी के। और यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।